दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि घर पे गुटका कैसे बनता है। अब हम बाकी लोगों की तरह तो नहीं, एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको हम बता सके कि हुक्का कैसे बनता है और कितना बेहतरीन बन सकता है। तो आइए पहले मैं आपको बता दूं कि हुक्का बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो हमारा बेस है, इस पे हम लेंगे थोड़ा सा पानी, और इसके साथ साथ हमने अपने फ्लेवर मंगा रखा है, ठीक है। और चाहे तो आप इस पे कुछ भी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ का टेस्ट चाहिए। कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिल्क में बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक पे बनाते हैं, आप चाहे तो अपने अल्कोहल्स पे भी बना सकते हैं। फिलहाल ये पानी पे बेहतरीन बनती है, आइए हम आपको इसके आगे दिखाते हैं। तो ये अब हम लेंगे इस पे पानी, और पानी डालते वक्त हमें इसका ख्याल रखना है कि इसमें जितनी क्वांटिटी चाहिए पानी की वो वहाँ तक जा पा रही है, यानी उससे ज़्यादा होने पर फिर वो उस तरह से आपको फ्लेवर नहीं देती। हमने इस पे पानी ले लिया है, उसके बाद हम इस पर बनाएंगे अपना फ्लेवर, जो कि हम इसके साथ इसको स्टैंड पे लगाएंगे, और ये लगने के बाद इस तरह से ये दिखेगी बिल्कुल, कि इसके इस तरह से ये बैठ जाएगा। तो ये आपका हुक्के का बेस रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम इस पर पाइप का लगा कर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ मैं अब आपको ये दिखाना चाहूँगा कि फ्लेवर पे हम किस तरह से इस पर इसको मिक्स करते हैं। ये अब हमने हुक्के का फ्लेवर लिया है जिसे हम मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आपके घर पे कोई एक छोटा बर्तन हो तो ज़्यादा बेहतर है, ना हो तो आप जो अपने आपने जो कोल के लिए जो प्लास्टिक ये लिया होगा फॉइल, उसका भी आप पेपर यूज़ कर सकते हैं। ये है ब्रेन फ्रीज, और इसके बाद हम इसे चिलम में फिल करेंगे। चूंकि एक बार ये दुबई से मैंने ये मंगवाई है, तो ये चिलम आपको इस तरह से नज़र आ रही है, वरना आपको खुद बनानी, अगर आप इंडियंस को ये आप लेते हैं तो उसे आपको खुद बनानी पड़ती है, जिसके ऊपर आपको फॉइल पैक भी लगानी होती है। जी नहीं, इसके ऊपर कोई फॉल पैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसको फिल करने का कोई तरीका होता है क्या? इसका बस इसे आप तरीके से होल्ड कर लें ताकि अंदर आपका स्मोक जाता रहे, तो आप बीच में थोड़ा थोड़ा इसे स्पेस बनाते रहेंगे अंदर, आप सारे मटेरियल्स को अंदर डालने के बाद, ताकि प्रॉपर वे से वो अंदर जा सके। ज़्यादा आप पुश करेंगे तो इसमें परेशानी ये होती है कि फिर वो आपको स्मोक बहुत कम आएगी। इसको चेक करने के लिए अगर आपके पास कोई पिन वगैरह हो तो उससे आप होल चेक कर सकते हैं, ना हो तो आप इसके द्वारा भी आप इसे देख सकते हैं, जिससे कि वो आपको नॉर्मल तरीके से वो फिल रहे। एक पैकेट की गई, अब हम ये अब हमारी फ्लेवर रेडी हो चुकी है, अब हम इसे इस बॉक्स पे लगाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारा रेडीमेड वो तो रहेगा जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है उस स्मोक के लिए हमने कोल का इंतजाम किया है, तैयार है। ये देखिए, बेहतरीन तरीके से अब धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है। तो ये हो गया आपका हुक्का रेडी।